आखिर गुजरात से आए इस महाठग ने पीएम मोदी के नाम का इतना बेजा इस्तेमाल कैसे कर लिया? आखिर इस महाठग ने क्या केवल पीएमओ के नाम का इस्तेमाल करके सारे के सारे सुरक्षा तंत्र को बेवकूफ बना दिया? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आखिर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो कैसे सकता है? कोई खुद को सरकारी अफसर बताकर आम आदमी को ठग ले तो समझ में आता है, क्योंकि बेचारा आम आदमी सरकारी सिस्टम को अंदर से नहीं जानता, इतना जागरूक नहीं होता। लेकिन कोई आदमी पूरे के पूरे सरकारी अमले, आईएएस ऑफिसर्स को एक दो दिन नहीं महीनों तक बेवकूफ बनाकर जेड प्लस सुरक्षा ले ले, एलओसी तक पहुंच जाए, लाल चौक पहुंच जाए और तो और असली सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक कर ले, ऐसा कैसे हो सकता है? कश्मीर जैसे इलाके में इससे ज्यादा सुरक्षा में चूक का मामला आज से पहले शायद ही आपने सुना होगा। दोस्तों, गुजरात के महाठग किरण जे पटेल ने खुद को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बताकर एक बार नहीं कई बार जम्मू कश्मीर में सरकारी पैसे पर अपनी पत्नी के साथ मौज काटी है, वो भी 5 स्टार। अब लोग कह रहे हैं कि इस आदमी ने इसके लिए फर्जी विजिटिंग कार्ड और लेटर पैड बनवाए थे तो सरकारी अधिकारी फेर में आ गए। लेकिन क्या केवल लेटर पैड और विजिटिंग कार्ड देकर स्थानीय प्रशासन किसी को भी जेड प्लस सुरक्षा दे देता है? मतलब इतना आसान है क्या ये? ये सवाल एक पूर्व आईएएस के दिमाग में भी आया है। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने सुरक्षा में चूक के इतने गंभीर मसले पर कहा, इंटेलिजेंस एजेंसियों की इतनी बड़ी चूक नहीं हो सकती, बिना किसी सक्षम स्तर के आदेश या इशारे के जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं दे सकते, कोई डीसी अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगाएगा, जांच होनी चाहिए इस गुजरात से आए ठग और इसके आकाओं की जिन्होंने इस ठग को वीआईपी प्रोटोकॉल दिलवाया। दोस्तों, किरण पटेल का ये ट्वीट है 19 जनवरी का, जिसमें वो पीएम को धन्यवाद कहते हुए वहां कश्मीर के लोगों के साथ मोदी फायर्ड नाम का ये एप्रिन नुमा चीज पहनाकर बातचीत कर रहा है, बैठकें कर रहा है। इसमें ये बता रहा है कि 2015 से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इसके दिल में स्पेशल जगह थी। तो क्या ये सारा खेल ये 2015 से अब तक खेल रहा था? हो सकता है कि अब सामने आया कि खुद कह रहा है 2015 से स्पेशल जगह है मेरे दिल में जम्मू कश्मीर के लोगों की। एक आदमी पीएम मोदी के नाम से कश्मीर में बैठकें कर रहा है, 5 स्टार होटल में ऐश काट रहा है, पूरे प्रोटोकॉल के तहत सैर सपाटा कर रहा है और सरकारी अधिकारियों को पता ही नहीं। अरे, कोई पीएमओ का अधिकारी अगर कश्मीर आएगा तो बस विजिटिंग कार्ड दिखाकर सिक्योरिटी ले लेता है क्या? स्थानीय प्रशासन और दिल्ली में बैठे अधिकारियों का कोई कम्युनिकेशन तो होता होगा, वहां कैसे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ में नहीं आया? कांग्रेस ने इस मामले में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, श्री मोदी का कार्यालय, श्री अमित शाह का कार्यालय, सरकारी एजेंसियां सब फेल, श्रीनगर में गुजरात के किरण पटेल गिरफ्तार, खुद को मोदी जी के कार्यालय में एडिशनल डायरेक्टर बताया, उसे जम्मू कश्मीर में जेड प्लस सुरक्षा बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई। वहीं आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, गुजरात के इस महाठग ने पीएमओ के नाम पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, जनता के करोड़ों रुपए फूंक कर जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी में छुट्टियां मनाई। अब इस महाठग किरण जे पटेल की ये तस्वीर भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, अमित शाह के साथ उसकी ये सेल्फी, जिस पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या जेड प्लस सुरक्षा के पीछे ये तस्वीर है या ये मुलाकात है। हालांकि नेताओं के साथ आम आदमी फोटोज लेता रहता है और किसी भी नेता की किसी भी शख्स के साथ फोटो है इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्हें जानता है, लेकिन जाहिर तौर पर ये सुरक्षा का मामला बहुत बड़ा है और इस लिहाज से ये फोटो अब विपक्ष के निशाने पर आएगी। दोस्तों, ये मामला सिर्फ ठगी से कहीं ज्यादा का है, ये मामला हमारे सिस्टम के अंदर की ऐसी चूक का है जो सीधा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ साबित हो सकता है। अब भले ही ये किरण पटेल गिरफ्तार हो गया हो, लेकिन न जाने ऐसे कितने ठग हैं जो सिस्टम के अंदर पूरे के पूरे सिस्टम को ही ठग रहे हैं और किसी को पता ही नहीं है। बल्कि जो लोग ऐसे लोगों को समझने के लिए, पहचानने के लिए ट्रेन किए जाते हैं सालों, वैसे आईएएस अफसर, वो भी इनकी ठगी का शिकार हो रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।